नमस्कार आप सभी साधक भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। साधक भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब लॉकडाउन के दिनों में सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में इस सुअवसर का लाभ उठा रहे होंगे। साधक भाई बहनों, ये साधना जो मैं दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। भविष्य जानना, भविष्य जानने की साधना, कैसे कोई व्यक्ति अपना और आने वाले किसी भी शख्स का भविष्य बता सकता है, वो भी सटीक सटीक। साधक भाई बहनों, किसी का भविष्य बताने के लिए आज एक होड़ सी लगी हुई है कि हम ये साधना करें, वो साधना करें। कुछ तो ऐसी नारकिक साधनाएं हैं, करण पिचासनी इत्यादि की साधनाएं जो हो तो जाती हैं, बाद में बहुत मुश्किल होती है आदमी को। सभी साधनाओं का वही रूप होता है, लेकिन कुछ दक्षिण मार्गीय साधनाएं जो होती हैं, जैसे ईश्वर का चिंतन मनन करना, उसमें थोड़ा आसान रहता आदमी को। लेकिन अगर किसी भी सिद्धि को आप करते हो तो उस सिद्धि को प्राप्त होने के बाद आपका टेस्टिंग टाइम, परीक्षा की घड़ी चालू होती है। किस शक्ति को हमें मनोविलासित कामों में लगाना है तो उस शक्ति की भी कुछ मनोविलासा होगी, उस शक्ति की भी कुछ शर्तें होंगी। शर्तें सिर्फ आप अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, शर्तें देवता भी लगाता है। तो जैसे आप शर्त रखोगे, शर्त तो उसके दो, जैसे एग्रीमेंट होता है दो पर्संस के बीच में कोई डीड होती है, वैसे ही सिद्धि भी है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, वैसे ही साधना के दो आयाम होते हैं। इस चीज़ को बड़ा तरीके से समझिए। आप अपनी तरफ की शर्त रखोगे, लेकिन देवता भी तो आपको कुछ चाहेगा ना आपसे, वो भी तो कुछ कहेगा आपको। और मित्रों, बहुत सी साधनाएं हैं, प्रचलित नहीं है। ये साधना है शहजाद साधना, जैसे हमजाद होता है ना, हमजाद की साधना, वैसे ही ये शहजाद साधना है। इसमें भी विघ्न काम आते हैं, आसानी से सिद्ध हो जाता है, लेकिन उतना टाइम कोई बैठता नहीं। अगर कोई सही कायदे से साधना करे ना तो उसको अवश्य ये जो है सिद्ध भी होता है और इसे लाभ भी। और साधना के विषय में जितनी भी बातें हैं, मंत्र है, विधि है, वो सारी मैंने आपको ब्लॉग स्पॉट पे लिख छोड़ी है। डिटेल बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको। और आप वहाँ से पूरा लेख पढ़ सकते हो। एक चीज़ याद रखना, इष्ट एक होता है, गुरु एक होता है। एक साधक ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 साधनाएं कर सकता है सफलतापूर्वक, फिर वो शक्तियां आदमी को उलझा लेती हैं। अगर सिंगल शक्ति से ड्राइव करोगे तो अच्छे रहोगे, अगर बहुत ज़्यादा आप साधनाओं में पड़ोगे तो एक दवा के साथ कई बार एक दवा मिला के देते हैं ना, वो रिएक्शन कर जाती है, ख़राब कर जाती है। तो आपसे अनुरोध है, अपने लिए साधना चुने। सबसे पहले ये चुने आपने करना क्या है, फिर उस साधना को चुन के उस साधना को करें। साधना मैंने दे दी है, इसका लाभ उठाएं। आगे व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप चालू करने वाला हूँ, जिसको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, वो शुल्क लगेगा उसका, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप लोग जो इच्छुक हों। आपके लिए और भी वीडियो बनाने में
मैं लगा हुआ हूँ कि अच्छी अच्छी साधना लेके आऊँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।